हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू। तो आज की स्टूडियो में गाइस हम केस स्टडी करने वाले हैं सारी वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है। कि मतलब कि ये जो वेबसाइट है गाइस ऐसा क्या करती है कि जो मंथली गाइस काफ़ी अच्छा खासा ये रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, ठीक है। इससे पहले गाइस मैंने एक बायोग्राफी की वेबसाइट पर भी केस स्टडी किया था, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, वो भी काफ़ी अच्छा मतलब कि नीच है जिसपे आप काफ़ी अच्छे से काम करके अर्निंग कर सकते हो। लेकिन गाइस वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंटेंट लिखना भी पड़ता था, लेकिन जो आज की केस स्टडी है गाइस सायरी वेबसाइट्स पे, इस पे गाइस आपको कंटेंट के नाम पे गाइस कुछ नहीं लिखना, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है गाइस, और थोड़ा सा यूनिकनेस डालना। वो किस तरह से करना सारी चीज़ें गाइस, और ये वेबसाइट का किस तरह से अर्निंग कर रही है, इनके क्या कीवर्ड्स है गाइस, किस किन किन कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रही है गाइस, कितना ट्रैफिक ले रही है, क्या इनका रेवेन्यू, ये सारा कुछ गाइस हम आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन से भी प्रेस करना मत भूलना इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस सिंपली यहाँ पे मैंने गाइस कुछ वेबसाइट्स को भी रखा है गाइस, जिसको मैं एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा गाइस कि इन वेबसाइट्स पे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके बाकी वेबसाइट्स को हम देख लेते हैं कि ये वेबसाइट किस तरह से काम कर रही है और इन पर कितने ट्रैफिक आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक वेबसाइट लिया गाइस hindisairi.in, जो कि इंडिया बेस्ड वेबसाइट है। अब बात करूँ अगर मैं इस पर ट्रैफिक की, तो यहाँ पर मैं सिमिलर वेब पे देख लेता हूँ ट्रैफिक। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी जो ट्रैफिक है अभी भी मतलब कि 1 लाख अप्रॉक्स, मतलब कि 1 लाख से ऊपर ही ट्रैफिक है इस वेबसाइट्स की, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट आप इसका देख ही सकते हो यार, ये इन्होंने किस तरह से कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है अपने वेबसाइट्स पे। बिल्कुल सिंपल सा कंटेंट है, कुछ नहीं, बस 2 लाइन का कंटेंट है जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। 2 लाइन का मतलब कि इंग्लिश में लिख दिया, सॉरी इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में मतलब कि हिंदी को ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे इमेज में इन्होंने बनाया उसी को यहाँ पे बस 2 लाइन में लिख दिया ऊपर। उसके बाद फिर दूसरी शायरी आ जाती है, ये देखो, फिर से तीसरी शायरी आ जाती है। तो बस सिंपल सा गाइस, ठीक है। और यहाँ पे आपको कंटेंट पे बिल्कुल भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। मैं आपको पूरा मतलब कि गाइड करूँ, मैं जनरली गाइस एक सीरीज ला रहा हूँ सारी वेबसाइट्स पे, ठीक है। इसमें मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा किस तरह से इन वेबसाइट्स पे काम करना, किस तरह से आपको इनके लिए इमेजेस बनाने, जैसा कि आप ये इमेज देख पा रहे हो ना यहाँ पे, कि किस तरह से इन्होंने ये इमेजेस बनाया है। और ये सारा कुछ गाइस बिल्कुल आप फ्री कर सकते हो 100%, और ज़्यादा बिल्कुल भी आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगने वाला, ठीक है। तो ये तो गाइस थी hindisairi.in, जिस पे गाइस ट्रैफिक 1 लाख से ऊपर है, और इनका कंटेंट भी आपने देख लिया कि नॉर्मल सा कंटेंट है गाइस, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस 2 लाइन लिखा हुआ है और एक इमेज डाली हुई, दैट्स इट, ठीक है। अब बात करें अगर हम sairi.fm.com की गाइस, तो इन्होंने भी गाइस सेम एस जहाँ यहाँ पे जो भी वेबसाइट है सारी एक दूसरे से मिलती जुलती होगी, बस यहाँ पे बात है कि गाइस जितना ज़्यादा आप कंटेंट डाल सकते हो उतना ज़्यादा आप मतलब कि अर्निंग कर पाओगे। तो क्या इनकी स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आपको आगे गाइस एक पेड टूल की मदद से दिखाने वाला हूँ गाइस, इनका पूरा डाटा कि मतलब कि ये किन किन कीवर्ड्स पे ये जो वेबसाइट्स है वो रैंक्ड है, ठीक है। तो जैसे ये sairi.fm.com है, तो यहाँ पे भी देखो सिंपल सा इन्होंने बस 2 लाइनें लिखा, एक इमेज डाल दी, बस यहाँ पे भी हिंदी सारी फूलों की हिफाजत, एंड देन फिर बस एक इमेज डाल दी है ऊपर से, फिर जो इमेज में इन्होंने सायरी लिखा है उसी को यहाँ पे इन्होंने नीचे डाल दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो बस आपको सेम इसी तरह से काम करना है गाइस, ठीक है। और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, बाकी वेबसाइट्स की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जैसे ये sairilovers.in, अच्छा मैं इसकी ट्रैफिक भी आपको दिखा देता हूँ, ये sairi.fm जो थी sairi.fm.com, तो इसका भी ट्रैफिक देखो गाइस 3 लाख ऊपर है, मतलब कि 3 लाख से ऊपर ही ट्रैफिक जा रहा है। तो आप समझ लो यार मतलब कि अर्निंग इस वेबसाइट की भी कितनी अच्छी खासी हो रही होगी, ठीक है। वो पूरा मैं आपको रिपोर्ट गाइस लाइव एक पेड टूल की मदद से दिखाऊंगा कि ये जो वेबसाइट्स ये अर्निंग भी कितना कर लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सायरी लवर्स है, इनका भी सेम मैटर है गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल वैसे ही बस इमेज पे सायरी डाला और नीचे भी उसी को डाल दिया, एंड देन दूसरे पे भी सेम वैसे ही, ठीक है। तो सारा कुछ गाइस ये बिल्कुल बस कॉपी पेस्ट का काम है गाइस, ठीक है। और कोई भी यहाँ पे यूनिक सायरी नहीं होता गाइस, ठीक है। आप जो यहाँ पे देखोगे वो इंटरनेट पे आप सर्च करो, हर जगह आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा कोई यूनिकनेस नहीं है कि आपको मतलब कि यूनिक कंटेंट ही डालने की ज़रूरत है, बस आपको अपने इमेज पे काम करना है। और वो सारी ट्यूटोरियल्स मैं इस वीडियोस पे लाऊंगा, ठीक है। इसका एक प्लेलिस्ट आएगा सारी वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, एंड देन इस पे पूरी डिटेल्स में आपको वीडियो मिलते जाएगी स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो अब बात करें अगर हम इसकी ट्रैफिक की, तो यहाँ पे सिमिलर वेब में देख लेते हैं, तो इसकी ट्रैफिक देखो ये भी 2 लाख अप्रॉक्स, मतलब कि 2,50,000 से ऊपर ही है इसकी भी ट्रैफिक। अब बात कर लेते हैं हमारी तीसरी वेबसाइट की, तो जो तीसरी वेबसाइट है वो है sadsairi.co, तो ये भी मतलब कि देखो इन्होंने .com भी नहीं लिया, ये .co पे ही, और जो डोमेन है गाइस ये 99 रुपीज़ का ही लगभग इनको पड़ा होगा, ठीक है ना, एक डोमेन सिंपल सा इन्होंने इस पे लिया, एंड देन थीम भी जनरेट प्रेस डाला हुआ मेरे ख्याल से, हाँ जनरेट प्रेस ही डाला हुआ देखो, ठीक है, जनरेट प्रेस पे ही डाल के ये काम कर रही है।
और इनका भी कंटेंट सेम है वैसे ही, जैसे कि आपने बाकी वेबसाइट्स में देखा, बस शायरी लिखा दो लाइन इमेज डाल दी, फिर शायरी लिखी दो लाइन इमेज डाल दी, शायरी लिखी दो लाइन इमेज डाल दी, ठीक है, बाकी कुछ भी ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे जो भी कैटेगरीज इन्होंने डाल रखा है अपना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सिंगल कैटेगरी को लेकर नहीं चलना है, काफ़ी सारी कैटेगरीज को लेकर चलना है, जैसे लेटेस्ट, हिंदी, लव। अब बात करें अगर हम इसकी ट्रैफिक की, तो वेब सिमिलर में चेक कर लेते तो गाइस देखो इसका भी मतलब कि 2 लाख ऊपर ही ट्रैफिक है, 2,50,000 के अप्रॉक्स जाने वाले इसकी ट्रैफिक। और ये जो ट्रैफिक है गाइस इनका 1 लाख ऊपर ही होता है, ठीक है, चाहे जितना भी मतलब कि बाउंस रेट इनका बढ़ जाए वेबसाइट्स का गाइस, लेकिन जो इनकी ट्रैफिक होती है वो 1 लाख ऊपर ही होती है, क्योंकि ये जो मतलब कि ये जो कॉन्टेंट होता है गाइस लोग रेगुलर सर्च करते रहते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर हम तीसरी वेबसाइट की, ये sairinow.in है, ये काफ़ी पहले से भी काम कर रही है। अब बात करूँ अगर मैं तो इसका भी कंटेंट गाइस बिल्कुल सिंपल सा है गाइस, इसका तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बस एक इमेज डाल दिया, बॉर्डर डाल दिया इमेज में, एंड देन लिख दिया, फुल लगा दिया, एंड देन bestnow.in डाल दिया, ठीक है, और फिर उसी शायरी को यहाँ पे चिपका दिया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसी तरह आपको काम करना है। और यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल कैटेगरीज पे काम किया हुआ, जैसे दोस्ती शायरी, अनमोल वचन, लाइफ स्टेटस, लव कॉर्ड्स, गुड मॉर्निंग शायरी, ठीक है, आप जितना पे काम कर पाओ वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो यार आप सभी कैटेगरीज पर काम नहीं कर पाओगे, बस 2-3 कैटेगरीज को आप पकड़ लेना, और किस तरह से काम करना वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं, ठीक है। अब इसकी अगर ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ पे वेब सीनियर में इसकी जो ट्रैफिक है, हो जा भाई लोड, हाँ, इसकी जो ट्रैफिक देखो ये गाइस 91,000 के अप्रॉक्स है, ठीक है, अभी फिलहाल इसकी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ये भी 1 लाख से ऊपर ही होता है। अब बात करें अगर हम अपनी लास्ट वेबसाइट्स की, तो यही थी आई थिंक लास्ट वेबसाइट, ठीक है। तो गाइस इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, तो और भी वेबसाइट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, कि उनकी कितनी ट्रैफिक, और ये ट्रैफिक चेक के लिए गाइस आप इस एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो, सिमिलर वेब, ठीक है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ सिमिलर वेब, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप पर्टिकुलर वेबसाइट्स की मतलब कि ट्रैफिक को आप एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, किस किस कंट्री से, जैसे ये इंडिया से ज़्यादा ट्रैफिक ले रही है, बांग्लादेश से ले रही है, नेपाल से ले रही है, तो इस तरीके से ये टूल गाइस काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। तो गाइस आप बात कर लेते हैं कि ये जो वेबसाइट से ये किस तरह से काम करती है, मतलब कि कौन कौन से कीवर्ड्स इनके रैंक्ड है, गाइस वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन गाइस इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो गाइस आप बात कर लेते हैं कि ये जो वेबसाइट्स होती है गाइस ये किस तरह से काम करती है, इनके कौन कौन से कीवर्ड्स गाइस मतलब कि गूगल्स पे रैंक है, जिससे ये ज़्यादा ट्रैफिक ले रही है और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रही है, ठीक है। तो इनमें से मैं कोई एक वेबसाइट्स को गाइस एनालाइज करता हूँ एक प्रोफेशनल टूल से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने sairi.fm.com वेबसाइट्स को पकड़ लिया, ठीक है, अब मैं इसे एनालाइज करता हूँ, जैसे कि गाइस इसे मैं एक प्रोफेशनल टूल AHREF टूल के थ्रू एनालाइज करने वाला हूँ, ठीक है। अगर ये टूल आपके पास नहीं गाइस, आप भी इसी तरह की वेबसाइट्स को एनालाइज करना चाहते हैं, तो गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसे काफ़ी चीप प्राइस में आप मतलब कि परचेस कर सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस जैसे मैंने sairi.fm.com को इस वेबसाइट पर सर्च किया, मतलब कि इस AHREF टूल पर जाकर एनालाइज किया, तो यहाँ पे गाइस इसकी पूरी बायोडाटा मतलब कि इसकी पूरी डिटेल्स निकल के आ गई है गाइस कि इस वेबसाइट की DR एंड UR कितना है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस जो इस तरह की वेबसाइट्स होती है ना, इनका जो डोमेन अथॉरिटी होता है गाइस ये भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने गूगल में सर्च किया शायरी, ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए एक एक्सटेंशन का मैंने यूज़ किया है जिसका नाम है ऊबर सजेस्ट, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लेना। और जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो sairi.fm जो sairify.com है, इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 10 है 10 10 13 19, ठीक है, किसी ये तो पिंटरेस्ट है गाइस 94, ठीक है, पिंटरेस्ट है 94, और देखो sairi.com की 13, देखा इनकी जो डोमेन अथॉरिटी होती है गाइस काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो मतलब कि आप समझ सकते हो यार, फिर इन मतलब कि इन कैटेगरीज में रैंक करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, बाकी कैटेगरी के मुकाबले जो अगर आप टैक या ब्लॉगिंग फील्ड्स में अगर आप आर्टिकल्स लिखते हो तो उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है गाइस रैंक करना, काफ़ी ज़्यादा बैकलिंक्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस वेबसाइट को एनालाइज किया, यहाँ से इसका जो DR है वो 39 है, और इसने बैकलिंक 10,700 बनाया, मतलब कि 10,000 के लगभग इन्होंने बैकलिंक बनाया है, लेकिन गाइस यहाँ पे आपको बैकलिंक खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार देखो कंटेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली खुद बैकलिंक जनरेट होती है, आप किसी वेबसाइट से कॉपी करोगे तो वो उसका बैकलिंक जनरेट होगा, आपकी वेबसाइट से कोई कॉपी करेगा तो आपका बैकलिंक जनरेट होगा, तो इस तरीके से ये काम होती है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा बैकलिंक यार कोई सेल्फ नहीं बना सकता, काफ़ी काम करना पड़ता है। अब बात करें अगर हम इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 51,000 के करीब ट्रैफिक आता है, और मतलब कि 51,000 मतलब कि इसका जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है वो रैंक्ड है,
और इसकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ये लगभग अभी 1,94,000 है, ठीक है। और ये जो टूल है गाइस ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा देती है आपकी, और इसकी ट्रैफिक वैल्यू आप देख सकते हो गाइस, ठीक है, $21,000। और ये कितना होता है आप कैलकुलेट कर लेना यार, अभी फिलहाल जो डॉलर्स की रेट आई थिंक 73-75 के लगभग चल रही होगी, आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। अब बात कर लेते हैं हम इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के ऊपर कि ये कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक है, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे, तो यहाँ पे मतलब कि इस वेबसाइट से रिगार्डिंग सारी कीवर्ड्स मेरे सामने आ जाएगी कि किस किस मतलब कि कीवर्ड्स पे ये जो वेबसाइट है वो रैंक है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा मैंने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे जैसे क्लिक किया गाइस, तो यहाँ पे आपको गाइस काफ़ी सारे इस वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड्स निकल के आपके सामने आ जाती है गाइस, ठीक है, कि मतलब कि किस किस कीवर्ड पे ये जो वेबसाइट है वो रैंक कर रही है। तो इसी तरह से मतलब कि इस टूल की मदद से आप किसी भी वेबसाइट्स का ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देख सकते हैं और उन कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से मैं कुछ वेबसाइट्स की कीवर्ड्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप जाके काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको खुद सर्च करना है, रिसर्च करना है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स को डीपली एनालाइज करना है, तो इस टूल को आप परचेज कर सकते हैं काफ़ी चीप प्राइस में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स यहाँ पे निकल के आ गए जिस पे ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ले रही है। जैसे हिंदी शायरी पे ये 42,000 का वॉल्यूम है, मतलब कि सर्च वॉल्यूम है ओवरऑल, और वहाँ से ये 6,300 का ट्रैफिक आसपास ये ले रही है, और ये सेकेंड पोजिशन पर रैंक कर रही है गूगल पे। मैं आपको इसकी पोजिशन भी चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ मैंने गूगल में डाला और सर्च किया, ठीक है, तो वो वेबसाइट देखना सेकंड पोजीशन पे रैंक कर रही होगी। तो गाइस जैसा कि आपने देखा यहाँ पे sairi.fm.com गाइस ये देखो ये गाइस फर्स्ट पोजीशन पे ही रैंक कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये जो टूल है गाइस काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट डेटा आपको देता है गाइस, ठीक है, जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं और अच्छे से आप अपने भी वेबसाइट्स पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे कीवर्ड्स आपको देखने को मिल गया है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ काम भी आपको किस तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में आके सर्च किया काफ़ी सारे आपको कीवर्ड्स मिल गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आँख बंद करिए आप सभी कीवर्ड्स पे काम करना स्टार्ट कर दो, नहीं ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैटर करता है KD मतलब कि कीवर्ड डिफिकल्टी, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना KD, इसे बोलते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है। तो मतलब कि इसमें गाइस जितने भी जो कीवर्ड्स है गाइस अगर अंडर 20 है ना गाइस, मतलब कि जिनकी KD अंडर 20 गाइस उन पे आप काम कर सकते हो बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब जैसे ये 31 है गाइस और आपकी वेबसाइट बिल्कुल बिगनर स्टेज पे, मतलब कि स्टार्ट जस्ट आपने अभी अभी अपनी वेबसाइट बनाई है, और किस तरह से बनाना है गाइस वेबसाइट अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है गाइस किस तरह से बनाना है, तो इस चैनल पे गाइस वीडियोस आती रहेगी रेगुलर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कैसे पता चलेगा कि 2020 मतलब कि अंडर 20 जो कीवर्ड्स है वो कौन से हैं, तो सिंपली इसके लिए गाइस यहाँ पे आप कीवर्ड डिफिकल्टी को गाइस फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जैसे पोजिशन में देख रहे हो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपको 0 डाल देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में गाइस अगर आप 0 KD पे काम करोगे ना, मतलब कि 0 कीवर्ड डिफ़िकल्टी पे अगर आप काम करते हो, तो आपकी वेबसाइट गाइस मतलब कि इन अ वीक रैंक कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि उन पे गाइस बिल्कुल भी बैकलिंग स्टार्टिंग में नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती। तो गाइस काफ़ी अच्छा तरीका है ये, ठीक है, आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी बिल्कुल 0 कर देना और आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो निकल के आ जाएगी, एंड देन आप इन कीवर्ड्स पे काम कर सकते हो, ठीक है। इन पे आप वॉल्यूम पे मत जाना कि यहाँ पे वॉल्यूम यार कम है यार तो मेरे तो आएंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, ठीक है। इन पे काफ़ी लोग गाइस काम नहीं करते इस तरह के कीवर्ड्स पे। तो यहाँ पे जैसे 2000 का वॉल्यूम है, तो जैसा कि आप देख पा रहे कि 2000 में से गाइस 145 का जो ट्रैफिक वो ये वेबसाइट ले रही है, तो बाकी तो जो ट्रैफिक है गाइस वो तो बचा ही है ना, वो आपकी वेबसाइट पे भी आ सकता है। तो इस तरीके से गाइस आप इन सभी मतलब कि कीवर्ड्स पे काम कर सकते हो इस तरीके को अपना के, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कीवर्ड डिफिकल्टी को फिल्टर करना है, 0-0 करना है, और जितने कीवर्ड्स मिलते हैं देन स्टार्टिंग में आप उन कीवर्ड्स पे काम करो, फिर धीरे धीरे आप जैसे 30-40 कीवर्ड्स पे भी काम करना स्टार्ट कर सकते हो जैसे जैसे आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से गाइस आप अपने कीवर्ड्स पे काम कर सकते हो। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा नीच है जहाँ से आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो गाइस, और ये पर्टिकुलर कीवर्ड पे गाइस काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाती है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है गाइस तो इसलिए लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक वैल्यू है गाइस वो $21,000 है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो गाइस कि ये जो वेबसाइट है गाइस कितना पैसा बनाती है।
तो इस तरह की वेबसाइट से गैस आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो गैस अगर आपको जाना है कि इस तरह की वेबसाइट को किस तरह से हम बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करना गैस, उस पर भी मैं वीडियोस ले आऊँगा किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना अच्छे से, किस तरह से वेबसाइट्स को बिल्ड करना है, इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस गैस इस चैनल पे बहुत जल्द आने वाली है। तो गैस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। तो इस तरह की अगर आप नीच पे काम करना चाहते हो तो गैस आप काम स्टार्ट कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा नीच है गैस और काफ़ी अच्छी आप अर्निंग कर सकते हो और इसमें काफ़ी जल्दी आप रैंक कर सकते हो। बाकी गैस ये जो भी एक्सटेंशंस मैं यूज़ करता हूँ और जो भी मैंने गैस कीवर्ड सर्चिंग के लिए टूल यूज़ किया, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ से आप इन एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो और चाहो तो आप AHREF टूल को परचेस भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।